टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ जंप स्टेटमेंट इन सी। सी के अंदर जंप स्टेटमेंट का क्या यूज है, ये अनकंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करता है। दीज स्टेटमेंट आर यूज इन सी फॉर द अनकंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट द फंक्शन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर आपका अनकंडीशनल फ्लो जो होता है वो जंप स्टेटमेंट से होता है। There are four type of jump statement, so let us start to learn it. First is break, use inside the loop and switch or if statement. Switch, if or do while or for loop ke andar break use hota hai. Continue, it is use inside the loop help to bypass the section of loop and passes the control to the beginning of the loop to continue the execution with the next loop iteration. कंटिन्यू जो होता है कुछ कंडीशंस को बाईपास कर देता है और लूप को स्टार्टिंग पोजीशन पे भेज देता है और नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट करता है। गो टू यूज टू ऑल्टर अ नॉर्मल सिक्वेशन ऑफ द प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पोजीशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम के अंदर कुछ करते करते किसी अलग पोर्शन में जाते हैं गो टू के थ्रू तो वो कुछ नए सेक्शन में कुछ काम करके वापस आता है तो वहाँ पर हम गो टू यूज करते हैं। रिटर्न रिटर्न इन सी रिटर्न द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन टू द फंक्शन फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। रिटर्न तो हम लोग हर रोज ही यूज करते हैं, मेन फंक्शन जब खत्म होता है तो हम रिटर्न यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अब फंक्शन खत्म हो रहा और प्रोग्राम का फ्लो उसी फंक्शन में वापस जा रहा है जहाँ पर यहाँ से वो आया था। सो पहला ब्रेक स्टेटमेंट को हम विद एग्जांपल आपको समझाते हैं। यूज इनसाइड एनी लूप टू अलाउ द कंट्रोल जंप टू द इमीडिएट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। लूप में क्या है फॉर व्हाइल डू व्हाइल और स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक को यूज कर रहे हैं और वहाँ पे वो जंप करता है जहाँ से हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है या हमारा काम खत्म हो जाता है। द सिंटैक्स इज एज फॉलोज। सिंपल हमें लूप के अंदर ब्रेक लिखना पड़ता है जहाँ से हमें प्रोग्राम को खत्म करना होता है। स्विच में हमने आपको समझाया था ब्रेक और इफ में भी बताया था, आज लूप में भी बता देते हैं। लूप में भी बताया लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। प्रोग्राम का डिवाइजर हमें निकालना है, प्रोग्राम में कैलकुलेट करना नंबर का डिवाइजर कौन सा होगा मिनिमम। तो मेन में आए वहाँ पर डिव और नम और आई ये तीन वेरिएबल डिफाइन किया। डिव इज फॉर डिवाइजर, नम इज फॉर नंबर, आई इज फॉर काउंटर फॉर 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 के काउंटर के लिए यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एनी नंबर इनपुट किया, स्कैन एफ किया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत डिटेल में प्रिंट एफ और स्कैन एफ पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है मेरे चैनल पे। फॉर आई इक्वल्स टू टू, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम, आई प्लस प्लस। अब ये लूप फॉर का चला जिसके अंदर हमने चेक किया इफ नम मोड आई इक्वल्स टू जीरो, अगर नंबर डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर जीरो है तो आपका स्मॉलेस्ट डिवाइजर आ जाएगा और स्मॉलेस्ट डिवाइजर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट डिवाइजर फॉर अ नंबर परसेंट डी इज परसेंट डी। नंबर का डिवाइजर क्या है, आई है, तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद मेरा काम खत्म, इसलिए यहाँ पे हम इफ के अंदर ब्रेक लगा देंगे। आउटपुट एनी नंबर 9, हमने 9 इनपुट किया तो 9 सबसे छोटा डिवाइजर क्या होगा 3 होगा, तो वो 3 प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पर दोनों प्रिंट कराया तो नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, 9 इज 3 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट। अब हमारा दो तरह से प्रोग्राम एग्जिट खत्म होता है, एक होता है ब्रेक से एक होता है एग्जिट से। ब्रेक इज द जंप और द कंट्रोल आउट ऑफ लूप। जब लूप से मुझे बाहर निकलना होता है तो हम ब्रेक यूज करते हैं और जब हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है तो हम
प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है तो हम एग्जिट यूज करते हैं. एग्जिट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम. लेकिन एग्जिट में भी दो तरह से होता है, एग्जिट जीरो और एग्जिट वन. एग्जिट जीरो मीन्स नॉर्मल एग्जिट, एग्जिट वन मीन्स ऑन एरर एग्जिट. किसी एरर के एग्जिट होने पर हम एग्जिट वन लिखते हैं, या वो अपने आप ही ले लेगा, वन ले लेगा. द कंटिन्यू स्टेटमेंट इट इज यूज इन साइड द लूप हेल्प्स टू बाईपास द सेक्शन ऑफ लूप एंड पासेस द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन विद द नेक्स्ट लूप. जैसा कि हमने बताया कि कंटिन्यू हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन को बाईपास करना होता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देना होता है. तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंटिन्यू लिखने से लूप के बिगिनिंग में चला जाता है और नेक्स्ट इंटरेशन को, नेक्स्ट लूप को, काउंटर को बढ़ा करके उसको एग्जीक्यूट करता है. कंटिन्यू सिंटैक्स इज एज फॉलोज. इसका सिंटैक्स कैसे है, कंटिन्यू द प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्किपिंग द नंबर डिविजिबल बाय 5. प्रोग्राम अब ऐसा नंबर हमें प्रिंट करना है जो 10 नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो. तो आपको पता है 5 से डिविजिबल 5 और 10 होगा. तो हमने प्रोग्राम बनाया, इसमें मेन इंट आई फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस. काउंटर बनाया जिसमें वैल्यू 1 टू 10 प्रिंट हो रही है और उसको हम चेक करना है. इफ आई मोड 5 इक्वल्स टू 0 तो कंटिन्यू. अगर वो 5 से डिविजिबल है तो फिर से लूप में चला जाए और प्रिंट ना करे. तो प्रिंट परसेंट डी आई कब होगा, जबकि वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा. तो यहाँ पे देखिए जब आउटपुट आएगा तो 5 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडीशन बाईपास हो जाएगी. गो टू स्टेटमेंट यूज टू ऑल्टर अ नंबर सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सिंटैक्स एज फॉलो. जो हम शुरू ही में आपको बता चुके हैं कि गो टू जो होता है अगर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो प्रोग्राम के फ्लो से अलग जगह पे होता है. Where label is identifier that is used to label the statement to which control will be transferred. The target must be preceded by the unique label followed by the colon. तो जहाँ पे हमें भेजना है वहाँ पर go to label हमने यहाँ पे लिखा है, तो label के आगे colon लगाया तो वो वहाँ पे program में उसी जगह पे चला जाएगा. अब हम example से इसको समझा रहे हैं. Program print 10 even numbers include std.io.h main. अब I की वैल्यू हमने 2 डिफाइन की, while I printf % di पहली बार 2 प्रिंट करेगा उसको इंक्रीज करेगा. अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो वो गो टू आउटसाइड करेगा. तो गो टू आउटसाइड करेगा, बाहर आने पर वो लिख देगा. देखिए अब आउटसाइड कहने पर ये यहाँ पे आएगा, आउटसाइड लेबल बना हुआ है जहाँ पे वो प्रिंट कर देगा ओवर. तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा इवन नंबर प्लस ओवर. द रिटर्न स्टेटमेंट, द रिटर्न स्टेटमेंट इन सी रिटर्न द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू द फंक्शन वेयर इट इज कॉल. हमने पहले बताया दिस स्टेटमेंट डज नॉट मैंडेटरी नीड एनी कंडीशनल स्टेटमेंट. द रिटर्न स्टेटमेंट मे और मे नॉट रिटर्न एनीथिंग फॉर अ वॉइड फंक्शन, बट फॉर द नॉन वॉइड फंक्शन अ रिटर्न वैल्यू मस्ट बी रिटर्न. वॉइड में अगर कोई हम वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन वॉइड में हमें वैल्यू 0 या 1 मिलेगी. नॉन वॉइड मीन्स इंट, फ्लोट, डबल, ये सब होगा. अब आया सी कोड टू इलस्ट्रेट रिटर्न. अब रिटर्न स्टेटमेंट को हम इलस्ट्रेट कैसे करते हैं, नॉन वॉइड रिटर्न टाइप फंक्शन टू कैलकुलेट सम. इंट सम, इंट हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इंट सम, इंट ए कॉमा बी, इंट एस वन ए प्लस बी रिटर्न एस वन. अब जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब करें क्या, फंक्शन के अंदर ही रिटर्न फंक्शन यूज होता है. तो इसको जैसे हम समझा रहे हैं समझ लीजिए, जब हम फंक्शन समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. रिटर्न वॉइड फंक्शन टू प्रिंट वॉइड, प्रिंट इंट एस टू.
अब दो तरह के फंक्शन डिफाइन किए, पहले में इंट फंक्शन डिफाइन किया, दूसरा हमने void फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पे प्रिंट द सम इज परसेंट डी कॉमा एस टू रिटर्न। अब मेन से हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो मेन से फंक्शन पहले मेन के की ओर डिफाइन किया। कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले उसका प्रोटोटाइप, उसके किस टाइप का डेटा आ रहा है, उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें हमें पहले ही डिफाइन करनी पड़ती है। तो मेन के पहले फंक्शन डिफाइन करके हमने ये बता दिया उससे कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक है नॉन वॉइड फंक्शन, एक है वॉइड फंक्शन जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। तो अब इन मेन में जाएंगे, मेन में हम दो वेरिएबल लेंगे, नम वन टेन नम टू टेन, इंट सम ऑफ इक्वल्स टू सम नम वन कॉमा नम टू। अब यहाँ पे सम नाम के फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था मेन पर से कॉल करेंगे। नम वन नम टू में हमारे टेन है तो ए और बी में टेन आ जाएगा। इंट एस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा। ये 20 रिटर्न होके हमारा आएगा सम ऑफ में स्टोर हो जाएगा। अब इस सम ऑफ को हम प्रिंट सम ऑफ फंक्शन पे भेजेंगे, प्रिंट सम ऑफ फंक्शन में s2 की वैल्यू 20 हो जाएगी और द सम इज 20 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट हमारा द सम इज 20 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और कहीं पर अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, आप हम उसको क्लेरिफाई कर देंगे। आप लोग देखिए और उसको क्वेश्चन पूछिए तब तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग को क्या आ रहा है। बस ये कह देने से कि मैम सी पढ़ाई है तो कोई बात नहीं है ना, जब आप लोग क्वेश्चन करिएगा तब हमको समझ में आएगा कि आप लोग को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्रोग्राम को और सरल बनाकर आपको बता पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, गो टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और पोल पे आंसर करिए। और अब तो क्रिसमस आने वाला है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो आप लोग को कम्युनिटी से कुछ शायद गिफ्ट भी मिल जाए। So thank you viewer, this is all today, please share my video and subscribe, thank you.